जय। ओम श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पंजे वाले की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागूं दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातों, पल न वालू निरखुने त्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान नूरी पिया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक विचार आपके साथ जरूर साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि चिंता करने के लिए, सपोज आपके दिल में माया की कोई भी चिंता लगी हुई है, उस चिंता को करने के लिए आपको एक, आप ये नहीं कहते कि मैं पूरा काम अपना खत्म कर लूं फिर मैं आराम से बैठ के चिंता करूंगी। काम करते करते वो चिंता साथ में लगी रहती है, वो हटती नहीं है। चाहे आप लेटे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप जॉब पे हो, ऑफिस में हो, वो चिंता आपके पीछे लगी हुई है। तो इस चिंता की बजाय, माया की चिंताओं की बजाय, जब तक वो चिंतन आपके पीछे ऐसे ही नहीं लग जाता, जब तक राज्य का चिंतन हमारे साथ लगा नहीं रहता, तब तक हमें दर्शन होने के लिए अभी इसका मतलब कुछ समय बाकी है। जब तक हमें बैठना पड़ता है, कि बैठना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि बैठना, चितवन में बैठेंगे तो वही वो पहला स्टेप है जिससे वो चिंतन अंदर आएगा, नहीं तो वो अंदर ही नहीं आएगा। तो ये प्रारंभिक स्टेज की हम बैठते हैं, एक घंटा सुबह और सोते हुए रात को भी चितवन में बैठते हैं, तो उसके बाद ही पूरा दिन वो चिंतन हमारे अंदर ऐसे चलना चाहिए कि फिर ये ना सोचना पड़े कि नहीं राजी दोपहर में समय मिलेगा फिर मैं बैठ के आपको याद करूंगी। चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप जॉब पे हैं, यदि उनसे प्रेम हो गया है तो एक क्षण के लिए भी वो चिंतन मन से नहीं छूटना चाहिए। बस आपके साथ यही शेयर करना चाहती थी। और आइए अब हम सब चलेंगे हमारी बहुत ही सुंदर अति प्यारी दसवीं, श्री दसवीं चांदनी की तरफ, श्री रंग महल की श्री दसवीं चांदनी, अति सुंदर अति प्यारी। ये देखिए कितनी प्यारी वहां लीला होती होगी, शोभा इतनी सुंदर है तो लीला कितनी सुंदर होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम भौम में क्या क्या आया था और बाकी सारी भौमों में भी कौन कौन सी शोभाएं हमारे पास सेम टू सेम आई थी, क्योंकि उसपे ही बेस्ड हमारी बिल्कुल, यदि हमें वो सारी भूमों की शोभाएं थोड़ी थोड़ी याद होंगी तो दसवीं चांदनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। हाँ जी, मुझे दसवीं चांदनी में काफी सारी कंफ्यूजन्स थी, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही थी। तो पहले पूरी भूमों को आप अपने दिल में एक बार रिवाइज कीजिए, कैसे कैसे हम आते थे सुंदर साहब जी इन भूमों में, किस प्रकार हम प्रवेश करते थे, किस प्रकार 28 स्तंभ के चौक आते थे, सबसे पहले कहाँ जाते थे, धाम दरवाजा को पार किया, उसके बाद एक गली,
28 स्तंभ के चौक की शोभा, और उसके बाद हमें ये क्या मिलते थे, ये देखिए, हवेलियों के अति सुंदर फिरावे, चार चार हवेलियां, चार चौरस, चार गोल। कितनी बार ये रिपीट होता है, चौरस गोल का 4 बार, यानी कि टोटल, ये अगर मैं इसको पूरा एक सेट मानू चौरस गोल को, तो ये 4 बार रिपीट होती हैं, 1, 2, 3 और 4 बार, ये बड़ा सेट रिपीट हुआ। और लास्ट में फिर हमारे पास क्या आता था सुंदर साहब जी, पंचमहल, अति सुंदर पंचमहल, बहुत ही क्लैरिटी से ये मैप बनाया गया। देखिए पंचमहल भी कितने सुंदर दिखाई देते हुए, और उसके बाद, और ये जरूर सुंदर साहब जी यहाँ पे याद रखते जाइएगा कि यहाँ पर हमें खड़े हुए भी, इधर खड़े हुए दो थंबों की हारे, यानी हर हवेली के दाएं बाएं दो थंबों की हारे, 3 गलियां हमें मिलती जा रही हैं यहाँ तक, जहां तक हमारे ये सेट हैं। और बीच में भी, यानी एक हवेली जब खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, तो 1 थंबों की हार तो इनकी, जो इनसे मिल जाती है आगे जाके, और गोल होगी तो 1 थंबों की हार यहाँ पे गोल घूमती हुई, और यदि दोनों चौरस हैं तो दोनों सीधी थंबों की हारे यहाँ पर हमें मिलेंगी। तो आड़ी खड़ी, आड़े और खड़े त्रिपोलिया भी इनके बीच बीच में आते जा रहे हैं। और इन हवेलियों के बाद सुंदर साहब जी क्या मिलता था यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिलती थी बहुत ही प्यारी सुगंधित, वातावरण को, पूरे रंग महल को महकाने वाली ये फुलवारी। 28 स्तंभ के ही चौक था और 28 मंदिर की ही ये हमें फुलवारी की शोभा यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद ये बहुत ही सुंदर पानी के स्तून, जल के स्तून कितने चौड़े थे, 8 मंदिर के लंबे चौड़े। 8 मंदिर की लंबाई यदि वृत्त में होती है तो उसकी परिधि हमेशा x3 x3 कीजिए तो 24 मंदिर की होती है। ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर जाके हम उनको यूज करेंगे। तो 8 मंदिर की व्यास वाले, लंबाई चौड़ाई वाले ये जल के स्तून, और उसके बाद ये 5 चौक तो मेरे सुंदर साथ को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इनमें तो रंग प्रवाली मंदिर बिल्कुल बीच वाले चौक में आया था। तो अभी जब हम ऊपर चलेंगे, अभी हम चांदनी पे चलेंगे, तो वहां इन्हीं शोभा को याद रखिए, ये पंचमहल के बाद फुलवारी, उसके बाद ये जल के 4 स्तून चारों कोनों पर, और ये 9 चौकों की शोभा। ये 9 चौक की लंबाई जरूर सुंदर साथ को याद होगी, तो आप मुंह हिलाकर अपने लिप्स, होठों के उससे मुझे बता सकते हैं कि ये कितने, 1 चौक की लंबाई कितनी थी सुंदर साथ जी? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी दीपिका दीदी, मैं आपको देख पा रही हूँ, 210 मंदिर का लंबा 1 चौक। तो टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पर, टोटल लंबाई चौड़ाई हमारे पास हो गई 630 मंदिर का लंबा ये चौक, और 630 मंदिर के ही, वेरी गुड। जिग्ना जी चैट में भी लिख रहे हैं सुंदर सा, तो ये जरूर याद रखिए कि लंबाई 630 और इधर चौड़ाई भी 630, क्योंकि ये हम 10वीं आकाशी इनके आधार पर ही अभी हम समझेंगे। तो ये छोटी सी हमने रिवीजन कर ली। और प्रथम भौम में जो बाहर का छज्जा कहें, या छज्जा नहीं, परिक्रमा रॉस, वो 1 मंदिर की चौड़ी आई थी, और वो उसके लिए हमें चबूतरों से 1 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता था, और बाहरी मंदिरों की हार सेम लेवल पे आई थी। उसके बाद सारी भौम में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं भौम तक वो छज्जा कहलाए, और वो कितना चौड़ा था, 33 हाथ का चौड़ा वो छज्जा आया था हमारे पास। अब नौवीं भूमि में वो चेंज होके फिर से क्या हो गया, 1 मंदिर का चौड़ा छज्जा। इसी प्रकार का हमें 10वीं भूमि पर भी मिलने वाला है। तो पहली, नौवीं और 10वीं भूमि पे 1 मंदिर का हमें छज्जा मिलेगा, उनके भी हम दर्शन करेंगे बहुत जल्द। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये बीच की शोभा एक बार फिर से इस नक्शे से बहुत प्यारी दिखाई दे रही है। जब हमें, जब हमारी गोल हवेलियों का लास्ट फिरावा फिनिश होता है, ये पंच महल के फिरावे, और आसपास ये देखिए, 1 थंब की हार ये, एक ये बीच में, ये देखिए थंब की हार, मतलब त्रिपोलिया यहाँ भी और त्रिपोलिया हमें यहाँ भी मिलेंगे, हर के बीच में आड़े खड़े, ये हमारी फुलवारी
जल के स्तून और नौ चौक अति सुंदर दिखाई देते हुए। अब हम चलते हैं फाइनली अपनी बहुत ही प्यारी 10वीं आकाशी की तरफ कदम बढ़ाते हुए। और आज ना एक हम लोग जब भी किसी भूमि पे जाते हैं ना सुंदर साहब जी, सबसे पहले क्या करते हैं, सीढ़ियों के मंदिर में जाते हैं और उस भूमि पे पहुंच जाते हैं। पर आज ना हम सुखपाल से पहले 10वीं भूमि पे उतर जाते हैं, क्योंकि इनकी सीढ़ियों की शोभा अति अति विशेष आई हुई है। तो जब हम उन सीढ़ियों के स्थान पर पहुंचेंगे ना, तब उन सीढ़ियों का वर्णन बहुत सुंदर समझेंगे भी और वो उनको दिल में भी बसाएंगे। तो अभी हम सुखपालों से रंग महल की चांदनी पर उतरते हैं और ये देखिए किस प्रकार की, कितनी सुंदर वो चांदनी। तो आप सब सुंदर साथ को याद होगा कि हमारा रंग महल कितना लंबा कितना चौड़ा आया हुआ है और उसकी ग्रिड कितनी आई है, स्पेशली कितने मंदिर घेर कर आते हैं सुंदर साहब जी। रंग महल की बाहरी हार में 6,000 मंदिर आपको याद होगा घेर कर आते हैं। तो हमारा जो रंग महल का चबूतरा है ना, वो उतना ही ग्रिड लिए हुआ है, 6,000 मंदिर की ऐसे घूम के ग्रिड। तो वो लंबा चौड़ा कितना हो गया वे, जब भी एक वृत्त 6,000 मंदिर का होता है ना ग्रिड, उसको 3 से डिवाइड करो ना, 3 से, तो उसकी लंबाई चौड़ाई, ये किरण आंटी ने बहुत इजी फॉर्मूला हमें बताया था, बड़ौदा वाले किरण दीदी ने, कि उसको 3 से डिवाइड करो तो लंबाई चौड़ाई निकल आती है। तो ये 6,000 की यदि ग्रिड है तो फिर लंबाई कितनी हुई, 6,000 बाय 3 मतलब 2,000 का लंबा और 2,000 का चौड़ा। यदि उसका नीचे यानी जो चबूतरा हमने उठाया था वो 6,000 की ग्रिड है, तो चांदनी भी सेम टू सेम उतनी ही ग्रिड में हमारी ये चांदनी भी उतनी ही जगह लिए हुए, 6,000 मंदिर की ग्रिड, 2,000 मंदिर की लंबी, 2,000 मंदिर की चौड़ी, ये हमारी चांदनी। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे चांदनी के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर यानी ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना सेंटर में। महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पे कि ये जो चांदनी है ना उसके 1/3 पार्ट में, मतलब तिहाई हिस्से में, ये बीच वाला ये चबूतरा उठा है, ये वाला चबूतरा तिहाई हिस्से में, 1/3। तो 2,000 यदि ये लंबा था ना, 2,000 की लंबाई थी यहाँ पे, 2,000 की आप एक तिहाई करो ना, बड़ा मैंने इसको इजी वे में तैयार किया कि जब 100 का आप करते हो ना तो 33 हाथ होते हैं, 100 मंदिर का करो तो 33 मंदिर होते हैं, 1,000 मंदिर का करो तो 333 होते हैं, 2,000 मंदिर का करो तो डबल हो जाता है, 666। ये याद करने की जरूरत नहीं है, दिल में बसाने के लिए कि कितना लंबा चौड़ा ये चबूतरा है सुंदर साहब जी, 666 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा इतना, ये 666 मंदिर। एक मंदिर यदि आप अपने शहर के मंदिर को भी समझें, एक मंदिर तो उतने 600, यहाँ की भाषा में है ये, तो 666 मंदिर की लंबाई है उसकी। तो कितने यहाँ पर, मैं आपको अभी बताऊंगी कि संख्या में कितने सिंहासन और कितनी कुर्सियां इस पे पड़ी हुई हैं। तो उसकी विशालता को अपने दिल में बसाने के लिए गिनती सुने और पीछे छोड़ते जाएं उसके बाद। तो ये इतना, अब ये 666 हुआ कैसे, सब समझने के लिए समझें और उसके बाद उसको भूल जाएं। ना तो क्विज में इसका कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ना ही प्रश्नोत्तरी में हम इसका कोई प्रश्न पूछेंगे कि ये इतना लंबा क्यों है, इतना चौड़ा क्यों है, बस एक शोभा को दिल में बसाने के लिए। यदि आपको याद हो सुंदर साहब जी, मैं आपको ना एक यहाँ पे शेयर करके ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगी कि ये इस प्रकार की शोभा कैसे आई यहाँ पर और क्यों इतना लंबा ये बन गया। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, ये देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या होते थे, 9 चौक होते थे, है ना। हाँ जी, ये देखिए, यहां पर मैं एक स्क्वायर बनाती हूं जिससे आपको, ये हमारे हो गए 9 चौक, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास, इनको 9 में डिवाइड कर लेते हैं हम,
थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि स्क्रीन पे ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अप्रोक्सीमेटली हम सब सुंदर साथ इसको समझ लेंगे। ओके, ये थोड़ा सा इधर से ज्वाइन नहीं हुआ, तो ये देखिए। हाँ जी, तो इसको 9 चौक बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी वो चबूतरा कैसे बना है यहाँ पे। ये हमारे बने 9 चौक, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ये देखिए, अब क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास होते थे स्टून, यहां पर हमारे पास होते हैं स्टून। यदि आपके पास कॉपी पेंसिल पड़ी हुई हो ना सुंदर साहब जी, तो आप उस पे ये ड्रॉ भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए बहुत ही अच्छे से कि ये इतना लंबा चौड़ा हो कैसे गया। ये देखिए, यहाँ होते थे स्टून, और अब क्या हुआ, ये था 630 मंदिर का लंबा टोटल। टोटल मतलब सारे चौक मिलाकर के 210, 210, 210, 630 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब क्या हुआ, इसको जो ऊपर चबूतरा है ना वो तो गोलाई लिए हुए है, तो इसको गोलाई प्रदान कर दीजिए यहाँ पे ऐसे करके। ये हमने इसको गोलाई यहाँ पे प्रदान की राजजी महाराज ने। तो क्या हुआ, ये थोड़े से मंदिर ना यहाँ पे, मंदिर की जगह यहाँ होती थी एक्चुअली, हमारे पास फुलवारी है यहाँ पे, पूरा आसपास घूम के फुलवारी थी ना साइड में। थोड़े मंदिर इधर से ऐड करने पड़े, थोड़े इधर से भी ऐड करने पड़े, और सेम नंबर ऑफ मंदिर हमने इधर और इधर भी ऐड किए। तो मैं इसको डिफरेंट कलर में लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 18 मंदिर हमने इधर से ऐड किए हर तरफ से, क्योंकि एक सर्कल बनाना है ना, तो हर तरफ से सेम नंबर ऑफ रूम्स हमने ऐड कर दिए यहाँ पर। तो ये था 630 का था ना, ये पूरा 630 में 18 आप इधर ऐड कर दीजिए, 18 इस तरफ से ऐड कर दीजिए। ये देखिए 630, 18 और 18 कितना हो गया 36, इसमें ऐड कीजिए। तो अभी इसीलिए ये सुंदर साहब जी 666 मंदिर बने थे। 2000 मंदिर की टोटल लंबाई हमारी चांदनी की, और उसका 1/3 होता है 666, इसलिए ये बना हमारा 666 मंदिर का लंबा पूरा, और 666 मंदिर का ही चौड़ाई यहाँ पे हमारे इस चबूतरे की आई। अब पहले हम और महाराज जी ने ना बड़ा प्यारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं एक बार जितना मुझे समझ में आया सुंदर साथ जी उतना मैं आपको बताऊंगी। जो सुंदर साथ पहली बार सीख रहे हैं कृपया घबराएंगे नहीं, आप इस बैच में केवल गिनती को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ना तीनों स्टैंडर्ड्स को केटर करने के लिए बन रही है, बिगिनर्स, मीडियम, जो मीडियम लेवल है, और जो हाई लेवल पे सुंदर साथ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो तीनों लेवल्स को कुछ ना कुछ जरूर मिले, इसलिए ये क्लास में सब कुछ कोशिश की जा रही है बताने की, पर बिगिनर सुंदर साथ थोड़ा इग्नोर करते चलेंगे। जब वो फिर से दूसरी बार देखेंगे ना, आई एम श्योर राजी की मेहर से अभी भी समझ आएगा और बाद में और अच्छे से समझ में आएगा। अब महाराज जी ने क्या समझाया कि यहाँ पर एक ना बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिए, मेरे से अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा पर मैं ट्राई करूंगी। ये ना सर्कल होना चाहिए यहाँ पे, ये सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इनको टच करता हुआ, बिल्कुल इनको टच करता हुआ। अब ये बीच में कितनी जगह है, ये देखिए, इन्होंने तो 8 मंदिर और ले लिए है ना, ये 8 मंदिर के लंबे चौड़े हैं हमारे पास। ये जो छह बच्चे हैं ना सुंदर साथ जी, ये ऊपर आकर क्या जल के स्टून बन गए हैं, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगी। ये 8 8 मंदिर के लंबे चौड़े तो ये हैं। फुलवारी हमारी कितनी थी, 28 मंदिर की थी यदि आपको याद हो, मतलब टोटल 28 मंदिर हमने यहाँ कवर करने हैं। ये देखिए, तो ये तो 18 मंदिर ही आगे गया, थोड़े मंदिर की जगह यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, यहाँ कोई जगह नहीं बची कोनों में, क्योंकि 8 मंदिर हमारे स्तून ने भी ले लिए, स्तून ऊपर आके 6 बच्चे बन गए हैं। मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगी ये बात। तो यहाँ पर 8 मंदिर आगे बढ़ गए, तो कितने मंदिर यहाँ पर बच गए। अब देखिए, 28 में से 18 मंदिर तो ये आगे बढ़ गया हमारा, ये है ना, और कितने बच गए यहाँ पे, 10 मंदिर बचने चाहिए थे यहाँ पे। 28 मंदिर की फुलवारी थी ना,
तो 18 मंदिर तो हमारा सर्कल ही आगे बढ़ गया, चबूतरा आगे बढ़ गया, 10 मंदिर की जगह यहाँ पर बच गई। उस 10 मंदिर को भी हम कैसे कवर करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर तो ये ऑलरेडी आ गई था, ये 8 मंदिर और आगे बढ़ गया है ना, और आगे बढ़ गया, यहाँ पे 8 मंदिर और आगे, तो 18 + 8 हो गया, क्योंकि ये इतना पहले ही आगे होता है, क्योंकि ये कॉर्नर है ना, तो ये ज्यादा लंबा होता है कॉर्नर, तो ये 18 मंदिर पहले ही आगे है, यहाँ बढ़ाने पे हुआ है ना आगे, ये पहले ही आगे है, देखो इसको आगे नहीं करना पड़ा। 8 मंदिर और बढ़ाओ कितना आगे हो गया, 18 और 8 = 26 मंदिर आगे हो गया। और महाराज जी ने पता है क्या बताया, मैं आपको ना एक चीज और बताती हूँ, बहुत ही सुंदर उन्होंने ये हमें बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अभी कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन, मोटी मोटी शोभा हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे और इनको हम अभी छोड़ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन पूरा करूंगी, जिन जिन सुंदर साथ को समझ आ पाए बहुत अच्छा। ये देखिए ये जो चबूतरा है ना, यहां से तो बढ़ाकर ये सर्कल किया गया, यहाँ तो पहले से ही सर्कल था ना, यहाँ पे यहाँ बढ़ाना नहीं पड़ा 18, क्योंकि ये जगह छोटी होती है ये वाली, पर यदि आप ऐसे देखें तो बड़ी। अगर आप एक ये देखें ना, अगर एक मिनट मैं आपको येलो कलर में दिखाती हूँ समझ में आएगा। अगर आप एक ये देखें, ये साइड हमेशा छोटी होती है, ये वाली लंबी होती है ना, ये डायगनल हमेशा लंबा होता है, अगर आपको समझ में आए तो ये वाली जगह ना ऑलरेडी उसमें है, तो ये 18 मंदिर ऑलरेडी यहाँ बड़ा हुआ है, 8 मंदिर यहाँ पर चाहे बच्चे ने भी ले लिए तो 26 मंदिर की जगह यहाँ पे कवर हो गई। पर हमें यहाँ पर तो जगह बहुत ही कम यहाँ मिली, सिर्फ 3 मंदिर का और आएगा और ये बन जाएगा हमारा, ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ हमें बहुत खाली जगह मिलेगी, यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं मिली हमें, क्योंकि हमारा पहला नहर का जो चबूतरा बनेगा ना वो इस चहबच्चे के साथ लगा हुआ होगा, यहाँ कोई गैप नहीं आएगा, ये नहर का चबूतरा बिल्कुल जो हमने अभी सर्कल बनाया था ना, ये इससे लगा हुआ ये चबूतरा आएगा पहली नहर का। और वो पहली नहर कहाँ बनी हुई है, ये जो पहली नहर आपको दिखाई दे रही है ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल पहली, ये कहाँ बनी हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि नीचे उस स्थान पर क्या था जहां ये पहली नहर आई। सबसे पहले हम इस चबूतरे को डिस्कस करते हैं, ये जो है 666 मंदिर का लंबा और चौड़ा, इसके चारों दिशाओं में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए चारों दिशाओं में से 3-3 सीढ़ियां ऊपर जाती हुई, क्योंकि ये चबूतरा कमर भर ऊंचा है, तो कमर भर ऊंचा होता है तो 3 सीढ़ियां, हर हाथ से सीढ़ी नहीं उतर रही है, केवल 4 दिशाओं से एक एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, मतलब 4 टोटल सीढ़ियां 3-3 स्टेप्स ऊपर। और उसके बाद जहां जहां सीढ़ी आती है उसकी जगह को छोड़कर कठेड़ा आया हुआ है, पूरे पे कठेड़ा आएगा, पर ये जहां चह बच्चा इनको मिलेगा ना वहां पर कठेड़ा नहीं आएगा डेफिनेटली चह बच्चे की। तो अभी और मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, आप ना यहाँ से चह बच्चे पे जा सकते हो, जो चह बच्चा हमारा यहाँ आया हुआ है। सबसे पहले फुल डिटेल्स हम करेंगे इस चबूतरे की, तो चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां और इसके ऊपर पश्चिमी गिलम बिछी हुई, और बिल्कुल सेंटर में राजी श्यामा जी के लिए अति सुंदर सिंहासन, आसपास वही 3-3 हजार कुर्सियां, एक एक पे दो दो रूहें बैठी हुई, तो 6 हजार पे 12 हजार रूहें बैठी हुई। अब कितने हांस हैं इसके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मैं आपको बताना भूल गई थी, ये याद आ गया मुझे, रंग महल के कितने हांस हैं सुंदर साहब जी, रंग महल के 201 हांस हैं, पर ये जो सामने वाला हांस है उसको विशेष बनाया गया तो 201 किए हुए हैं, वैसे 200 हांस है ना, यदि इसको छोड़ दें, क्योंकि चबूतरे पे ये हांस स्पेशल थोड़ी बनाएंगे, तो 200 हांस का ये चबूतरा है, 200 हांस में आए, बिल्कुल रंग महल की तरह। रंग महल के बाहर जब हमने मंदिरों की शोभा समझी थी तो एक हांस में कितने मंदिर आए थे सुंदर साहब जी, एक हांस में 30 मंदिर आए थे, पर जैसा मीनू दीदी ने हमें समझाया था ना एक बार,
हथेली पे यदि आप सर्कल बनाएं तो बाहर वाला बड़ा होता है, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएं वो वृत्त वो सर्कल छोटा होता जाता है। तो यदि हम ये बाहर से देखें तो ये सर्कल बड़ा है और जब अंदर आ जाएं तो ये छोटा होता जा रहा है। तो पहले हमारा हाथ था 30 मंदिर का, अब यहाँ आते आते सॉरी हवेलियों के फिरावे पार करते करते ये हाथ रह गया 10 मंदिर का लंबा। तो ये एक एक हांस 10 मंदिर का लंबा और ये कितना है 200 हांस में चबूतरा। तो मतलब 200 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2000 की ही इसकी भी ग्रिद आई हुई है। ठीक है, 2000 मंदिर की ग्रिद इनकी आई हुई है, अति सुंदर। और उसके बाद इन पे क्या हर हांस मतलब 200 हांस है ना, हर हांस के किनारे किनारे पर सिंहासन और 3000-3000 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। इतने छोटे से में हम जब चितवन करने की भी बैठते हैं ना उसमें, तो ऐसे लगता है बस ये नक्शा सामने आ रहा है। नहीं सुंदर साहब जी, ये नक्शा बहुत छोटा बहुत छोटा। आप सोचिए, मैंने जब वो कुर्सियों की संख्या पढ़ी ना तो मैं हैरान रह गई कि वो महाराज जी ने टोटल करके पता है कितना लिखा है, 12,06,000 कुर्सियां, क्योंकि एक मध्य में भी आई हुई है ना ये सेट, और 201 सिंहासन, क्योंकि 200 हांसों में 200 और एक मध्य में, 201 सिंहासन, 12,06,000 कुर्सियों को समाने वाला चबूतरा, और उनके बीच में ऐसे टाइट टाइट तो पड़ी नहीं होंगी, खुली खुली पड़ी होंगी। तो सोचिए वो चबूतरा कितना लंबा चौड़ा होगा, और जब हम चितवन में बैठेंगे तो कितनी विशालता कितनी भव्यता हमें अपने दिल में लेनी है, दिल को कितना बड़ा करना है, अपनी नजर में कितनी विशालता वो समानी है। कम से कम इस यहाँ के मंदिर ही यदि हम ले लें तो उतनी विशालता तो कम से कम दिल में आनी चाहिए। तो इतने सिंहासन कुर्सियां, और ये देखिए साइडों में सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा लगा हुआ, और कहाँ ये जहां पर ये आए हैं ना चह बच्चे, वहां भी कठेड़ा नहीं आएगा क्योंकि हम चह बच्चे के आसपास घूमने घूमने भी जा सकते हैं। तो ये अब हम चलते हैं, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया अभी तक। उसके बाद ये साइड में सुंदर साहब जी जो पानी के स्तून चले आ रहे थे पहली भूम से 10वीं भूम तक ढके हुए चले आ रहे थे, हालांकि वहां ट्रांसपेरेंट है हम जल के दर्शन कर सकते हैं, पर खुले हुए जल के दर्शन हमें 10वीं चांदनी पर आकर ही होते हैं। और इन्हीं स्तूनों को हम यहाँ चह बच्चों का नाम, जब ये खुल जाते हैं और पूरी चांदनी को भी पानी देते हैं और रंग महल की पूरी भूमों में भी ये पानी देते हुए जाते हैं। महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जहां गर्म पानी चाहिए गर्म मिलता है, जहां पर ठंडा चाहिए आपकी जैसी इच्छा हो, अति सुंदर शीतल मीठा मिश्री से भी मीठा दूध से भी उज्जवल ये जल हमें वहां प्राप्त होता है। तो इनके दर्शन करने पर भी कितनी खुशी प्राप्त होती होगी। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे स्तून 8 मंदिर के लंबे चौड़े थे, तो ये खुल कर भी बिल्कुल वैसे ही 8 मंदिर के लंबे चौड़े ये हमें यहाँ पर चह बच्चे प्राप्त हुए। अब इन चह बच्चों में फव्वारे लगे हुए हैं और उन्होंने लिखा है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि चांदनी पर बहुत सारे ये चह बच्चे ना हमें आगे बहुत सारे दिखेंगे, अभी उनमें बहुत सारे चह बच्चों में ये अपने फव्वारे डालते हैं, अनेक चह बच्चों में अति सुंदर। तो इनमें बहुत फव्वारे लगे हुए जो बहुत सारे चह बच्चों में पानी की फुहारें देते हुए, और इनके भी आसपास ये देखिए ये यहां पर ना जब ये देखिए ये भी चबूतरे के समान ही 3-3 सीढ़ियां इनसे, क्योंकि ये भी 3 सीढ़ी ऊंचे हैं, तो 3-3 सीढ़ियां इन पर भी, परंतु इन पर ये चबूतरे पर तो चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ गई, पर इन पर केवल 2 दिशा से सीढ़ियां चढ़ेंगी सुंदर साहब जी, एक इधर से और एक इधर से, बाकी 2 तरफ से क्यों नहीं चढ़ी, क्योंकि यहां तो हम चबूतरे पर जाएंगे और इधर से ना ये जो पहला नहर का चबूतरा है वो इसके साथ मिला हुआ है, यहाँ बीच में जगह नहीं आई हुई है, तो यहाँ पर भी सीढ़ी नहीं उतर पाएगी।
तो इसको इससे मिला लीजिए आप। मैं यही वाला कलर करके आपको बताती हूँ कि ये किस प्रकार आपको मिला हुआ प्रतीत होगा। इसका मैंने एक मॉडल भी एक मुझे प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार यहीं से ना नहर का इनमें कोई गैप नहीं है, जिस प्रकार यहाँ कोई गैप नहीं है। आप सीधा इसके ऊपर आ सकते हैं ना, तो यहाँ भी थोड़ा कठेड़ा नहीं होगा क्योंकि आप सीधा इसके ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये सिर्फ दो तरफ, एक इस तरफ सीढ़ी और एक इस तरफ, इसमें दो तरफ महाराज जी ने स्पेशल ये लिखा है कि दाएं बाएं इनके दो, दाएं बाएं इनके सीढ़ी उतरती हुई अति सुंदर दिखाई देती है। तो ये भी तीन सीढ़ी ऊंचे, दो तरफ से इनमें सीढ़ियां और एक तरफ ये गोल चबूतरे से मिले हुए पहलदार चबूतरे से, और एक तरफ ये इस नहर के चबूतरे से मिले हुए जो हम अभी समझेंगे। तो तीन तीन सीढ़ियां और इनमें भी कठेड़ा लगा हुआ है, प्रॉपर कठेड़ा लगा हुआ है। केवल इस तरफ और इस तरफ आपको कठेड़ा नहीं मिलेगा, जो जो हाथ इनका मिला हुआ है। और इनके जो जल के अंदर भी आप जा सकते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए। ये मैं आपको, हाँ जी, इससे भी देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये हैं वो छह बच्चे, ये इनमें कठेड़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ नहीं है, इधर भी नहीं होगा, और ये अंदर आपको जल दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक और पिक्चर से स्पेशली जल दिखाने की कोशिश करती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, इसमें आई थिंक जल दिख जाएगा सुंदर साहब जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, मैं आपको ना उनका जल दिखाने की कोशिश करती हूँ, यदि एक और भी। हाँ जी, इसमें दिख रहा है बहुत अच्छे से, ये देखिए। तो ये जो जल है ना, उसके अंदर की तरफ भी सुंदर साहब जी कठेड़ा लगा हुआ है, अंदर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ कठेड़ा, और चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, जैसे इस चबूतरे के चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हुई है ना, जल के अंदर की तरफ चारों दिशाओं से आपको सीढ़ियां मिलेंगी। इधर से भी, यदि आप इधर से घूमने आए हो ना, तो यहाँ भी अंदर जा सकते हैं, इधर से भी सीढ़ियां, इधर से भी और इधर से भी। बस ये खाली जगह यहाँ नहीं आएगी, ये दोनों मिले हुए आपको मिलेंगे, और बाहर केवल दो सीढ़ियां, एक इधर और एक उधर की तरफ, और बाकी जगह पे जहां चार तरफ अंदर सीढ़ियां, उनको छोड़कर, सीढ़ियों की जगह छोड़कर अंदर की तरफ भी प्रॉपर बहुत ही सुंदर कठेड़ा लगा हुआ। ये जब जब इसको पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसमें यदि गोता लगाएं तो ये कितना गहरा है सुंदर साहब जी, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। बाकी खड़ोकली, हाँ जी, तीन भूम गहरी है, ये जल कितना गहरा है, आप इसको दिल में बसाइए। कहाँ से ये जल चला आ रहा है, प्रथम भूम से इन स्तूनों को देखते आ रहे हैं, कहीं नहीं खुले ये। और जल हमेशा जमीन के अंदर भी एक भूम होता है, तो ये 10वीं चांदनी पर अभी तक आ रहा है, तो कितने भूम गहरा ये जल हुआ। हाँ जी अनीता अरोरा जी, 11वीं, और रंग महल भी एक भूम चबूतरा भी ऊंचा है, वो भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल तो जमीन के भी नीचे जाएगा, तो रंग महल इटसेल्फ जो है ना, वो 11 भूम ऊपर है एक्चुअली में, है ना। तो आप ये सोचिएगा, ये जल में यदि आप, हाँ जी आशी दीदी बिल्कुल, तो ये जल इतना गहरा गोता लगाएंगे तो आप इससे प्रथम भूम में जाकर भी, यदि आप चाहें तो वहां की सारी शोभा इसमें से देखकर आ सकते हैं, कितना सुंदर इसका नजारा होता होगा, बहुत ही प्यारा। तो ये हमारे स्तूनों स्तून जो आकर खुल गए और चह बच्चे बन गए, और ये हमने पूरी इनकी शोभा देखी, और अब मैं आपको अलग अलग से इनकी शोभा और भी बताने की कोशिश करूंगी जितना हो पाया। ये देखिए, अब ये पहली नहर का चह बच्चा है ना, उसको समझने के लिए, वो जो मैं आपको बता रही थी ना अभी ड्रॉ करके, उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले नीचे की शोभा याद कीजिए, प्रथम भूमि में पंच महल के बाद, केवल मैं आपको वो नक्शा दिखाती हूँ जिसमें कि पंच महल बहुत सुंदर दिखाए हुए हैं, तो उन पंच महलों के बाद क्या आता है सुंदर साहब जी, ये देखिए एक मिनट।
ये देखें आप, ये थे यहां पर थे हमारे पंचमहल। तो पंचमहल के बाद एकदम से फुलवारी नहीं होती है, एक गली होती है बस। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पंचमहल के बाद केवल एक गली है और उसके बाद ये फुलवारी शुरू हो गई है। तो पंचमहल के बाद यहां तक जाने में पता है कितनी स्पेस है? पूरी यहां तक जाने में एक गली और 28 मंदिर की फुलवारी है, यानी टोटल कितनी जगह है? एक प्लस 28 यानी 29 मंदिर, मंदिर की जगह हमें मिलती है यहां तक जाने में, है ना। तो 29 मंदिर में से 18 18 तो हमने यहाँ पे वो कर लिए ना, सर्कल करने में बनाए थे। मैं आपको यहां बना के दिखाती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ये और 28 ये, यानी 29 मंदिर की जगह हमारे पास, हाँ जी 29 मंदिर की जगह हमारे पास टोटल है। कैसे हमने कवर किया है? अब यहां से 18 मंदिर का तो हमने सर्कल ही पूरा कर दिया, तो 18 मंदिर यहाँ पूरे हो गए, है ना। और उसके बाद यहां पर ये एक गली को यूज किया हमने, ये वाली गली को, और 2 मंदिर और फुलवारी के हमने यूज कर लिए, 2 मंदिर और यूज कर लिए। 1 2 3 मंदिर हमने मतलब 2 मंदिर फुलवारी में से और एक ये गली, 3 मंदिर टोटल यूज करके ना ये जो अभी नहर बनेगी ना उसका चबूतरा बना दिया पूरा गोल। मैं आपको यहाँ पे ना ये गोल मैं आपको ये यहाँ पे कोशिश करती हूँ, फुलवारी यहाँ छोटी है वैसे, पर ऐसे ना घूम के 3 मंदिर यूज करके नहर का एक चबूतरा बना दिया यहाँ पर। टोटल थे 29 मंदिर, 18 मंदिर तो यहीं पर ही चले गए, तो कितने बचे हमारे पास? 11 मंदिर, है ना। 11 में से 3 हमने यहाँ यूज कर लिए चबूतरा उठाने में, तो 3 और कम कर दीजिए, कितने मंदिर की जगह हमारे पास यहाँ बची? बीच में गैप कितना बचा? 8 मंदिर का। आपको समझ आ गई बात? हम एक बार इसको फिर से समझते हैं। तो ये टोटल हमारी जो जगह है यहां तक, पहली गली तक हमारे पास 29 मंदिर की जगह है। क्यों है 29 मंदिर की? क्योंकि 28 मंदिर की तो फुलवारी है जो बिल्कुल यहाँ पे सटी हुई है। सुंदर सा जी अंदर जा, पूरी फुलवारी हमें यहाँ पे मिलती है, 29 मंदिर की फुलवारी है और एक गली यहाँ पर पंचमहल के बाद और प्राप्त, 29 नहीं 28, 28 मंदिर की फुलवारी और एक गली हमें पंचमहल के बाद मिलती है। तो 29 मंदिर की टोटल जगह, उसमें से 18 मंदिर हमने ये सर्कल बनाने में यूज कर लिए, तो 29 में से 18 चले गए, तो हमारे पास बचे केवल 11 मंदिर की जगह। उन 11 में से हमने 3 मंदिर नहर का चबूतरा, मैं अभी आपको आकाशी पे दिखाऊंगी, 3 में 3 मंदिर का यहाँ पे हमने नहर का चबूतरा उठा दिया 3 सीढ़ी ऊपर, तो यहां से 3 मंदिर हमने वो यूज कर लिए। तो बीच में ये जो रह गया ना, ये जगह कितनी रह गई? केवल 8 मंदिर की हमारे पास गैप यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, जो कि केवल यहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर जहां स्तून है ना वहां कोई गैप प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो नहर का जो चबूतरा है ना वो इसी के आसपास ही बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल दिखाना चाहती हूँ उसके लिए, जिससे कि और क्लैरिटी आपको इसके बारे में प्राप्त होगी। तो बड़ा ही प्यारा वो मॉडल बना हुआ है। हाँ जी, ये आप एक बार इसको भी अच्छे से देखिए, ये देखें आप, ये बीच का चबूतरा है ये वाला, इस पे आपको सिंहासन ये दिखाया हुआ है, सिंहासन कुर्सियों के लिए, इनके आसपास सीढ़ियां उतरी होंगी, ये देखिए चह बच्चे बिल्कुल इनसे मिले हुए, आपको दिख रहे हैं ना ये सुंदर सा जी। तो आप इस चबूतरे से जब चाहें इन चह बच्चे की रोंस पर जा सकते हैं। और ये जो चह बच्चे की दीवार है ना, पता है कितनी मोटी है? ये दीवार एक मंदिर की मोटी, कोट दीवार करके लिखा हुआ है इनको, ये एक मंदिर की मोटी क्योंकि दीवार है, तो ऊपर रोंस भी पूरी एक मंदिर की चौड़ी, ये रोंस हमें इनके आसपास, यदि आपने परिक्रमा करनी हो बैठना हो, एक मंदिर की ये चौड़ी रोंस है, तो इन पर आप जाकर परिक्रमा कर सकते हैं या घूम सकते हैं। और इधर देखिए ये जो चह बच्चा है ना, ये नहर के चबूतरे से भी मिला हुआ, तो आप इन चबूतरे से, इन नहर के चबूतरे पर बड़े आराम से, ये आपको पाइप दिख रही है और लाइटें लगाने के लिए ये लगाया हुआ है, तो ये चह बच्चा इनसे भी मिला हुआ और इनसे भी मिला हुआ।
तो जहां जहां तो चाहे बच्चे आए हैं, कोई गैप नहीं आया बीच में, आपने देखा होगा। यहां से यहां चले जाइए और यहां से पहली नहर का चबूतरा हमने अभी समझना है उस पे चले जाइए, पर ये बीच वाली जो जगह है वहां कितना, अभी अभी हमने समझा 8 मंदिर का गैप वहां पे हमें दिखाई देता है बीच में। तो ये जगह कितनी प्यारी, ये चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे, यहां से आपको चबूतरा भी 3 सीढ़ी ऊपर दिखाई देता है, और ये चह बच्चा भी 3 सीढ़ी ऊपर दिखाई देता है, और ये नहर का चबूतरा भी 3 सीढ़ी ऊपर दिखाई देता है। तो ये जगह नीचे है, ये 8 मंदिर की जो जगह है ना, ये नीचे है सुंदर साथ जी। वहां पर बैठकर कितना सुंदर आसपास नजारा आपको दिखाई दे रहा है। अब ये हम नहर के चबूतरे को समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये चबूतरा हमें समझ में आ गया, आसपास के चह बच्चे भी हमें समझ में आ गए। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे हम एक दिन में, क्योंकि चांदनी को बहुत अच्छे से समझिए, उसकी लीला में बहुत आनंद आता है। तो ये केवल पहला नहर का चबूतरा समझकर फिर हम सारे मैप से उनके दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये जो नहर का चबूतरा है, इसने अभी अभी मैंने बताया था ना, 3 मंदिर की जगह ली हुई है, तो 3 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा। एक मिनट में आपको दिखाती हूं यहाँ पे किस प्रकार से। तो ये जो चबूतरा हमारे पास है, ये जो मैं अभी बोल रही थी ना, ये वाला, ये 3 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा है हमारे पास, ये वाला। तो अब हम इसको, मैं आपको एक वो बता, अब 3 मंदिर की चौड़ी कोई चीज है, यहाँ पे हम ना इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 मंदिर समझ लीजिए आप, 3 मंदिर की चौड़ी ये चीज है नहर का चबूतरा। चबूतरे का मतलब ही होता है या तो वो भोम भर ऊंचा होगा या वो कमर भर ऊंचा होगा, और चांदनी के ऊपर कमर भर ऊंचे ये चबूतरे हमें मिलते हैं। तो ये कमर भर ऊंचा नहर का चबूतरा, इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए आप, ऐसे करके 3 पार्ट्स में मैं डिफरेंट कलर में डिवाइड करती हूँ, आपको डिवीजन अच्छे से इसकी समझ में आएगी। तो इसको मैंने ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, ये कितना कितना हो गया, ये भी एक मंदिर, ये भी एक मंदिर, और ये भी एक मंदिर। अब बीच वाले मंदिर में तो नीला नीला अति सुंदर आकाश से वो करता हुआ, यहाँ पर तो हमारे पास पानी आ गया, यानी नहर बन गई। कितना सुंदर उसका रंग वहां पर होता होगा जब आकाश उसमें झिलमिलाता होगा। तो बीच वाले एक मंदिर में हमें नहर मिल गई। अब साइडों में फिर एक एक मंदिर की जगह है, उस पे पता है राजी महाराज ने उस पे क्या किया सुंदर साथ जी, ये जो साइडों में एक एक मंदिर बचा है ना, उसको फिर से उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया। ये देखिए आप जरा, ये देखिए 3 में डिवाइड किया। अब क्या किया, इसको दोनों तरफ करना है सुंदर साथ जी, ये दोनों तरफ होगा इस प्रकार, ये 3 में डिवाइड कर दिया। अब साइडों में तो बड़ी सुंदर सी रौंस दे दी, रौंस नगन जड़ित अति सुंदर वो रौंस, उसको मैं सोने के रंग में वो कर देती हूँ। तो ये तो हमारे पास रौंस बन गई, स्वर्ण जड़ित रत्नों जड़ित ये रौंसें कितनी सुंदर दिखाई देती होंगी। और बीच में क्या किया, बीच में बहुत ही प्यारे फूलों की शोभा, फुलवारी यानी हरे रंग की, हरे रंग के ये फुलवारी उन्होंने बीच वाले मंदिर में हमें दे दी। ये देखिए, ये हमें यहाँ पे, और दूसरी तरफ भी सेम। मेरी ना ड्राइंग सुंदर साथ जी बहुत अच्छी नहीं है, बस समझाने के पर्पज से थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूंगी। तो क्या हुआ, पहले 3 मंदिर के 3 पार्ट्स किए, बीच वाले में तो नहर आ गई एक मंदिर में, साइडों में एक एक मंदिर छूट गया। अब एक मंदिर के फिर 3 पार्ट्स किए, मतलब 33 33 हाथ के आप समझ लीजिए। तो दाएं बाएं के 33 33 हाथ में क्या आया, ये तो हो गई हमारी रौंसे आ गई, रत्न जड़ित अति सुंदर, जहां हम नहर के चबूतरों पर घूम सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी रौंसे, और ये बीच में क्या आ गई हमारी फुलवारी, बहुत ही सुंदर फुलवारी, फुलवारी फुलवाड़ी कुछ भी लिखें। और ये हमारे पास आ गई नहर, एक मंदिर की चौड़ी हमारे पास आ गई नहर। तो यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ भी फुलवारी बीच में, और साइडों में बिल्कुल वैसे ही रौंसे बनी हुई। तो यहाँ पर भी ये येलो कलर की
स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित रौसे। तो देखिए कितनी प्यारी, ये एक नहर का चबूतरा है सुंदर साहब जी, एक नहर का चबूतरा जो कि हम तीन सीढ़ी ऊंचे चढ़ के अभी अभी गए थे वहां पर। वो नहर भी देखिए पूरा घूम कर आई है और बीच बीच में चार जगह उस नहर को ऐसी मिली कि जहां से हम उन चह बच्चे पर जा सकते थे। यानी कि एक तो अग्नि कोण से, एक नैऋत्य कोण से, एक वायव्य से और एक ईशान कोण से, और फिर उन्हीं चह बच्चों से हम कहां जा सकते हैं, बीच वाले चबूतरे पर। तो ये आसपास जितनी नहरों के चबूतरे बनेंगे उनमें से हो कर ही हम इस बीच वाले चबूतरे पे पहुंच सकते हैं। और ये नहरें पता है आपको आई कहां पर है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए ये नहरें कहाँ पर आई हैं। एक्चुअली ये वाला चबूतरा है ना, ये बड़ा स्पेशल है। तो ये तो इसने तो कौन कौन सी जगह ली आप बताइए, फुलवारी में से दो मंदिर की जगह ले ली, जो नीचे फुलवारी आती थी, और एक गली जो आती थी ना प्यारी सी, वो अर्श की गलियां, बारीक गलियां, सुंदर सुंदर एक गली पंचमहल के जो बाद जगह आई थी, वो हमने अभी तक डिस्कस भी नहीं की थी। राजी बोलते हैं नहीं, एक जर्रा भी छूटना नहीं चाहिए। तो पंचमहल के बाद जो एक गली आई और फुलवारी जो आई थी दो मंदिर उसका लेके, उसके तीन मंदिर से ये नहर बनी। ये नहर, ये चबूतरा बहुत ही स्पेशल, पर बाकी सारे चबूतरे मैं आपको एक बार ये मॉडल्स देख के फिर दिखाऊंगी, इसके आसपास और बहुत सारे चबूतरे घेर कर आएंगे। वो चबूतरे सारे के सारे जो हमें एक हवेलियों की हार होती है ना, 231 मंदिर, 231 हवेलियों की हार जो घेर कर आती है, उसके बाद हर हवेली के बाद त्रिपोलिया मिलता है ना अगली हवेली में जाने के लिए, तो वो पूरा घूम के जो त्रिपोलिया आता है ना सुंदर साहब जी, उसके ऊपर ये नहरें बनी हुई है। एक्सेप्ट ये वाला चबूतरा, ये चबूतरा बहुत स्पेशल, इसके बाद वाले सारे चबूतरे उन त्रिपोलियों के ऊपर बनेंगे। त्रिपोलिया मतलब कितनी जगह हुई, दो थंबों की हार, तीन गलियां, तीन गलियां यानी कि तीन मंदिर, तीन मंदिर यानी कि तीन मंदिर पर चबूतरा उठ गया। हर बार ऐसे ही होगा, बीच वाले मंदिर में नहर होगी और साइड वाले मंदिरों में 33 हाथ में तो क्या होगी, फुलवारी बीच वाली, और आसपास रौसे आ जाएंगी। सारे चबूतरे एग्जैक्टली सेम, और आप सोचिएगा जरा कि कितने फिरावे हमारे बीच में आए हैं, तो कितने ऐसे गोल वाली नहरें हमें प्राप्त होंगी, आप सोचिएगा एक बार। और कल भी हमने एक क्वेश्चन सोचा था, तो उसको भी हम आज देखेंगे, यदि सुंदर साथ उसके बारे में देखकर जानकर समझकर आए हुए हैं। पहले क्विकली हम इसको देखते हैं, जो जो हमने आज किया है ना सुंदर साथ जी, एक मिनट, तो उसको क्विकली एक बार देखते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। तो हमने क्या क्या देखा, बीच वाला चबूतरा, उसके वो कितना लंबा चौड़ा था सुंदर साहब जी, ये चबूतरा आपको याद होगा, यहां से भी देखिए ये बीच वाला चबूतरा देखिए कितना प्यारा लगता हुआ, ये बीच का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा, 666 मंदिर कैसे बने वो, 630 यानी 630 मंदिर के तो वो चौक ही थे, और 18-18 मंदिर सर्कल को पूरा करने के लिए, क्योंकि गोलाई में बनाना है, और वो जो 9 चौक थे वो चौकोर थे, इसको गोलाई देने के लिए हमें 18-18 मंदिर दोनों तरफ से लिए, तो ये 666 मंदिर का लंबा चौड़ा बन गया। चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हुई। चारों दिशाओं से क्यों उतारी सुंदर साहब जी, चारों कोनों से क्यों नहीं उतारी, क्योंकि चारों कोनों में तो चह बच्चे आए हुए हैं ना, इसलिए। तो चारों दिशाओं से तीन तीन सीढ़ियां उतरी हुई इन पर, बीच में सबसे पहले मध्य में गिलम, तो पूरे चबूतरे पर पश्मी बिछी हुई अलग अलग रंगों की, बहुत सुंदर गिलम, बीच में सिंहासन और 3,000 कुर्सियां, और हर हाथ के मध्य में भी सिंहासन और 3,000 कुर्सियां, और सुंदर साथ जी और क्या क्या आया इसमें, हर तरफ सीढ़ियों और चह बच्चों की जगह छोड़कर, जो हांस इनका चह बच्चों से मिला है उस हांस को छोड़कर हर जगह कठेड़ा लगा हुआ। फिर चारों तरफ जो पानी के स्तून आए थे वो खुलकर चह बच्चे के रूप में अद्वितीय दर्शन यहाँ पर होते हुए, और वो कैसे आए हैं सुंदर साथ जी, कितना था उनका, कितने हांस के हैं, ये चबूतरा भी
200 हांस में आया हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा। और एक-एक हांस केवल 10 मंदिर का रह गया यहाँ पर आते आते। अब ये छोटे वाले, ये तो 8 मंदिर के लंबे चौड़े हमें पहले से ही पता ही है। और इनके बाहरी तरफ जो हांस इनका इधर लगा हुआ है चबूतरे के साथ, वहां कठेड़ा नहीं आएगा, और जो हांस इस नहर के साथ लगेगा वहां कठेड़ा नहीं आएगा। बाकी सब तरफ इन पर भी कठेड़ा आया हुआ। दाएं बाएं इनके दो तरफ सीढ़ियां उतरी हुई, और यहाँ पर क्या क्या है, अंदर जल के अंदर उतरने के लिए चारों तरफ हमें सीढ़ियों की शोभा प्राप्त होती हुई। और यहाँ पर ये जगह 8 मंदिर की यहाँ पर हमें मिलती हुई चहबच्चों के बीच में, इस चहबच्चे से इस चहबच्चे के बीच में 8 मंदिर की जगह यहाँ पर हमें मिलती है। और उसके बाद ये हमने क्या, नहर का पहला नहर का चबूतरा जो उठा है, बहुत ही स्पेशल। पंच महलों के बाद जो पहली गली आती है, और फुलवारी में से दो मंदिर की जगह लेकर 3 मंदिर का ये कमर भर ऊंचा नहर का चबूतरा उठाया। 3 मंदिर में से बीच वाले मंदिर में उन्होंने नहर की शोभा दे दी, और आसपास में फिर से इसके फिर 3 पाठ किए, तो 33 हाथ में बीच वाले में फुलवारी और दाएं बाएं वाले में स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित बहुत ही प्यारी रोंस की शोभा। ये हमने अभी तक सीखा। अब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास वो है ना, इसके मैप्स अवेलेबल हैं, उनसे भी हम एक बार इनको देख सकते हैं। ये आपको ना मैंने ये त्रिपोलिया दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था, जो जब हम गोल हवेलियां पार करते हैं ना सुंदर साहब जी, ये देखिए, ये गोल हवेलियां जब हम पार करते हैं तो हमारे त्रिपोलिये सीधे नहीं आते हैं। ये देखिए, ये थंबों की हार भी घूमी हुई होती है गोल, और ये थंबों की हार भी गोलाई में प्राप्त होती है, और बीच में ये गली। तो यहाँ पर कितने सुंदर त्रिपोली आते हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि नीचे हर भूम में हमें चौरस और गोल हवेलियां मिलती थी ना, पर चांदनी पे हम केवल चौरस और चौरस की शोभा ही करेंगे, क्योंकि हमें नहरों के चबूतरे बनाने हैं, आड़े भी और खड़े भी। ये डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग इसको फिर से जब पूरे चबूतरे खड़े हो जाएंगे ना उसके बाद इनको फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी सुंदर साथी। ये देखिए, ये 9 चौक, ये आसपास इनके फुलवारी थी। और अभी ये बड़ा अच्छा, मैंने अभी अभी इसको नोटिस किया, आप इसको करिए जरा गोल, ये देखिए, यहां से गोल कीजिए, यहाँ कितना प्यारा यहाँ गोलाई ले लेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बड़ी सुंदर गोलाई आती हुई जब आप यहां से यहां जाते हैं ना ऐसे, तो बहुत ही प्यारी यहाँ पर गोलाई। और यहाँ ना एक चीज बड़ी अच्छे से क्लियर हो रही है, ये थोड़ा सा 3 मंदिर केवल दूर हो ना, नहर का चबूतरा बनाने की जगह यहाँ पर यदि मिल जाए तो आपको बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर तो 8 मंदिर बचे हुए हैं, पर यहाँ कोई मंदिर नहीं बचा हुआ। बड़ी अच्छे से वो शोभा क्लियर होती है कि चह बच्चे एक चह बच्चे से दूसरे चह बच्चे की तरफ जाते हुए बीच में जगह मिलेगी ऐसे राउंड वाली, अदरवाइज वो जगह नहीं मिलेगी। और ये देखिए कितने प्यारे ये नक्शे, ये पहला नहर का चबूतरा कितना सुंदर बना हुआ, ये देखिए, इस प्रकार कितने सारे चबूतरे यहाँ मिलेंगे। सुंदर साथ सोच के आएंगे कि कितने प्यारे प्यारे चबूतरे हमें यहाँ मिलेंगे, ये पहली नहर का, और इसी प्रकार बहुत सारे और चबूतरे, पर कितने सारे, ये देखिए, ये देखिए। सुंदर साथ ने इतने सुंदर सुंदर मॉडल कि किसी तरह मेरे सुंदर साथ के दिल में वो शोभा उतर जाए बस। ये देखिए बहुत ही प्यारी ये शोभा बनाई हुई दोनों तरफ से, आप खुद इसको देखिए अच्छे से सुंदर साथ जी, दोनों तरफ से जाना कितना आसान लग रहा है ना। आप इधर भी चले जाइए, यहाँ इन्होंने लाइटिंग के लिए भी बनाया होगा, आप इस नहर के चबूतरे पर भी आ जाइए, ये देखें जरा कितना प्यारा। और इनके दो तरफ सीढ़ियां, इनके हर तरफ यानी चारों तरफ सीढ़ियां, पहली नहर का चबूतरा, 3 पार्ट्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बीच में नहर, आसपास इसके भी 3 पार्ट कर ले तो बीच में फुलवारी और आसपास रॉस मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी ये शोभा। और मुझे कल ही, मैं क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया तो मुझे पता नहीं था कि हमारे इतने सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ, इतने मॉडल्स की एग्जिबिशन लगती रहती है स्पेशली गुजरात सुंदर साथ की तरफ से। कल ही मुझे पता चला कि
उदय भाई भावसार जी जो हैं वलसाड़ सुंदर साथ भी इतने सुंदर सुंदर मॉडल बनाकर सुंदर साथ के सामने रखते रहते हैं ताकि उनके दिल में ये शोभा बसे। तो किरीट भाई और उदय भाई दोनों, किरीट भाई आपको याद होगा हमारी अम्मी उर्वी के पिताजी हैं वो, तो इतनी सुंदर सेवा इन सुंदर साथ की, जिससे समझने में राजी ने बोला कि मैंने तो सामने परोस दिया, अब तुम खाना तो शुरू करो, दिल में बसाना तो शुरू करो। तो इन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो इतनी मेहनत कर करके हम सब सुंदर साथ के दिलों में ये शोभा जरूर जरूर उतरती जा रही है। सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारा। और हाँ जी, 1 मिनट, ये पहले ही मैंने खोल दिया, 1 मिनट सुंदर साहब जी। हाँ जी, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है ये आज का हमारा। तो हमने जितनी शोभा आज तक समझी थी, और एक सुंदर साथ है प्रणाम जी के नाम से, उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है कि हमें इतने चबूतरे जो हैं गोल वाले मिलेंगे। आप सब सुंदर साथ भी उसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि फिरावे हमने समझे हुए हैं सुंदर साथ जी। तो अति सुंदर ये शोभा। और अब मैं केवल एक बात सुंदर साथ से पूछना चाहूंगी। कल हमें किरण दीदी ने भी बताया था कि हमारे जो 28 स्तंभ के चौक में 7वीं भौम में कितने हिंडोले आए हैं, हमारे 28, और 8वीं भौम में आई होप कि सुंदर साथ जरूर ही सहूर करके या सोचकर आए होंगे कि 8वीं भौम में 28 स्तंभ के चौक में कितने हिंडोले आए हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, यदि कोई सुंदर साथ सोचकर आए हैं तो वो हैंड रेज कीजिए, या फिर जो जिनके दिल में आया है, बाकी अगर कुछ हिंडोले कम पड़े तो हम बाकी सुंदर साथ से पूछकर उनको पूरे कर देंगे, और यदि कुछ ज्यादा हुए तो सुंदर साथ को दे देंगे, किसी और भौम में आ जाएंगे वो। तो डोंट वरी कि हमने कम बता दिए, ज्यादा बता दिए या बराबर, क्या फर्क पड़ता है, हमने तो आनंद लेना है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अरे वाह, सुदर्शन आंटी बता रहे हैं। किरण दीदी आप ध्यान दीजिएगा इन पे और एक्सप्लेन भी प्रणाम कीजिएगा। हाँ जी जी। प्रणाम जी। दस दस तो साइडों में, 10 बीच में जो छत में कुंडे लगे वहां लगे तो 10 झूले। हाँ जी, तो 7वीं में कितने आए? वो 7वीं में नहीं है जो बीच में कुंडे लगा के हाँ लगाएंगे, जी हाँ जी, तो टोटल कितने हिंडोले आए हो गए ना, सातवीं में? हो गए ना, 28, 10 10 साइड में, 10 बीच में, 30 हो गए। हाँ तो 7वीं में 30 आए जी, और 8वीं में? 8वीं में भी 30 आएंगे। नहीं आएंगे अच्छा, हम अभी हम सुंदर साथ से, एक तो सही है, बिल्कुल सही आपने बताया, वेरी गुड सुदर्शन आंटी, बहुत अच्छा। लगाए ना कुंडे, वहां पर 10 झूले हाँ आएंगे। जी हाँ जी, हम सब सुंदर साथ की राय लेते हैं। 2 मिनट 3 मिनट फिर किरण प्रणामी जी, किरण दीदी हमें एक्सप्लेन करेंगे। प्रणाम प्रणाम। जी, मैं भी उत्तर दूंगी, मेरा भी गलत हो शायद। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, चांद कमल जी ने लिखा है 26 हिंडोले, 26 आठवीं भौम के लिख रहे हैं वो शायद। हाँ जी, और कौन से सुंदर साथ बताना चाहेंगे? क्विकली क्विकली, केवल 2 मिनट्स, और बिल्कुल चिंता ना किया करें कि मेरा गलत ना हो जाए, मैं भी अभी अपनी राय बताऊंगी उनको, हो सकता है वो भी रॉन्ग हो। हाँ जी राजकुमार जी, हाँ जी आप बताइए। 26 करो। प्रणाम जी, 26, प्रणाम जी, तो आप छब्बीस 8वीं भौम में 26 सिंडोले। हाँ जी अभी हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी, थैंक यू प्रणाम जी। और सुंदर साहब जी हाथ तो खड़े कीजिए जल्दी से। अच्छा, अपनी अपनी राय बताइए बस। दीपिका दीदी आप बताइए अपनी राय, आप क्या सोचते हैं? प्रणाम प्रणाम जी, जी, आठवीं आठवीं फॉर्म में 30 हिंदोले। हाँ जी हाँ जी, मेरी राय आपसे बहुत मिलती जुलती है। और 7वीं 20 हाँ जी, 7वीं में 20। मोनिका दीदी, नाची। प्रणाम जी, बस ऐसे ही है कि 7वीं में 20 आएंगे और 8वीं में 30। हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही आगे लगता है वैसे, पर आगे हम आगे लोग प्रणाम दीदी जी, बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किरण दीदी से ही क्लियर करेंगे हम। मीनू दीदी आप भी अपनी राय रखिए।
हाँ सुनो, आप वैसे कल थे नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल वो ना हो, फ्रेश ना हो। तो उन्होंने ना कल को एक प्रश्नोत्तरी में प्रश्न पूछा था कि 28 स्तंभ के चौक में सातवीं भौम में कितने आए हैं हिंडोले और आठवीं में कितने आए हैं। आप दोनों मिलके क्लियर कीजिएगा एग्जाम। हाँ अच्छा नहीं, किरण दीदी करेंगी अच्छे से। जी हाँ जी किरण दीदी दीदी करेंगी अच्छे से। किरण दीदी आप बताओ। हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर सा जी, प्रणाम जी। सुंदर सा जी, मेरा मेन क्वेश्चन शोभा के था, गिनती का नहीं। ये देखिए, अपने पास ये 10 स्तंभ है ना। 28 स्तंभ के चौक में 10 स्तंभ है। 10 स्तंभों में अपने पास 9 मेहराबे हो गई। इसी तरह से इसी सूत में यहाँ पर दीवार में कुंडे लग जाते हैं ऊपर छत में। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे अपन कह रहे हैं 10 यहाँ पर हिंडोले आए, 10 यहाँ पर आए, जबकि इन मेहराबों में अगर एक एक हिंडोला आता है तो यहाँ पे 9 हिंडोले हुए, तो एक हिंडोला और कहाँ पर आया? वो शोभा अपने को देखनी है कि वो एक हिंडोला अपना और कहाँ पर आया। हाँ जी विजय जी की ना, जी, वो एक हिंडोला जो दो मंदिर की मेहराब है ना, जो मंदिर का दरवाजा है, दो मंदिर का है, तो उसमें नीचे वो दो कुंडे लगेंगे, हाँ जी सुंदर तो सा जी, मंदिर की मेहराब हाँ पे दो झूले लग जाएंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखिए, ये जो बड़ी मेहराब है, इस बड़ी मेहराब की इस दोनों तरफ हिंडोले लगेंगे। एक बार मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। एक सेकंड, जूम नहीं हो रहा। हो गया दीदी। हाँ जी, ये देखिए, अपने पास ये जो एक एक मंदिर की मेहराब है, इसके ठीक सेंटर में अपना एक एक हिंडोला हो गया। ये देखिए, 8 हिंडोले तो अपने ये हो गए। लेकिन ये जो मध्य की अपने पास दो मंदिर की मेहराब है, इसमें महाराज जी बताते हैं एक हिंडोला इस स्थान पर और एक हिंडोला इस स्थान पर। तो इस तरह से अपने ये 10 हिंडोले होते हैं। और ठीक इसी के सामने इस दीवाल में अपने को पिछली बार एक शोभा चली थी कि कुंडे ना होकर इस जगह दीवार के ऊपर जैसे अक्षी मेहराबे बन जाए, जो अपनी छत है उस छत के ऊपर अक्षी मेहराबे बन जाए। जैसे ये मेहराबे हैं, इनके तो थंब नीचे तक आ रहे हैं, वो थंब नीचे तक नहीं आ जाए, लेकिन जब छत पे हम देखें तो अपने को अक्षी मेहराबों की, यहाँ पर भी आजकल पीओपी या क्या बोलते हैं होती है ना, तो उस तरह से वो अक्षी मेहराबे आ जाए, उन मेहराबों में हिंडोले बिल्कुल इसके सूत में इस तरह से। तो इस तरह से अपने 10 और 10 20 हिंडोले अपने हुए सातवीं भूमि में। और आठवीं भूमि में इनके मध्य की जो मेहराब आती है, ये तो 30 हो ही जाएंगे, वो तो मध्य की मेहराब में एक एक और आ जाएगा। तो है ना मेन, बता, ये शोभा मेरे दिल में आ रही थी कि ये अपने को क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत सुंदर शोभा है कि मध्य की दो मंदिर की जो मेहराब है उसके दाएं बाएं एक एक हिंडोला आया है। जी सुंदर सा जी, क्लियर है ना ये शोभा? हाँ हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर ये शोभा। और सुंदर साथ जी, जैसे ही आपको ये थंब मिलता है ना, तो उसके सामने भी आपको थंब मिला, उसमें भी जैसे अभी अभी दीदी ने समझाया, इधर भी मेहराब उधर भी मेहराब, तो बीच में भी वैसे ही मेहराबे आके तो 10 ही बनते हैं। तो 10 10 और 10 30 हिंडोले। और कैसे चांदनी चौक में तो और खुली आवाज आती होगी, क्योंकि आसपास कितना खुला हुआ, वैसे तो यहाँ खुला हुआ ही एरिया है, पर बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत अच्छे से आज हमें क्लियर भी हुआ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमें कोई भी ऐसे डाउट्स या कोई भी ऐसे आते रहेंगे तो मीनू दीदी, किरण दीदी, किरण आंटी, आप सब सुंदर साथ बैठे हैं, तो वो हम सबके डाउट्स क्लियर करते चलेंगे राज जी की मेहर से। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं प्यारी सी श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई और उनके अति सुंदर अर्थ की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। किरण दीदी आप आओ। मुझे कह रहे हो? हाँ जी आप आ जाओ, आप भी किरण हो। नहीं, किरण दीदी है तो बोले। किरण हाँ दीदी कोई भी, दोनों में से कोई भी, जो हाँ भी जी, किरण सामने दीदी आ आए। जाओ आप।
किरण दीदी आप इजी हो आने में? नहीं नहीं किरण जी करने दो, प्रणाम जी करने दीदी दो। आप करो, आप बहुत अच्छे से करोगे ये चपाई, आप करो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जी श्री कुलजम स्वरूपवाणी श्री परिक्रमा प्रकरण तीन चौपाई जो है 178 178। यो स्वरूप दो चित में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए, गलित गात सब भीजे, जीव भान भून टूक कीजे। हे साध जी, इस प्रकार आप अपने हृदय में युगल स्वरूप को बसाइए, यो स्वरूप दो चित में लीजिए। हृदय में किसको बसाना है? युगल स्वरूप की शोभा को। अंग वार डार के दीजिए, अपने अंग अंग को धनी के विरहा में निछावर कर दीजिए। गलित गात सब भीजे, समर्पण की बलि देवी पर बलि वेदी पर अपने जीव को इस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर दीजिए कि आपका रोम रोम प्रेम में डूब जाए। आशय क्या है इसका? समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर मैं खुदी का प्रत्याग संभव है। इस अवस्था को प्राप्त हुए बिना प्रेम का रस पान असंभव है, और बिना प्रेम के भला धनी का दीदार कैसे हो सकता है। अब इसमें कह रहे हैं कि अपने युगल रूप की शोभा को किसमें बसाइए? अपने हृदय में बसा लीजिए। और अंग वारना क्या है? अंग अंग को धनी के विरह में निछावर कर दीजिए, अपने अंग को, अपने अंतस्करण को, अपनी मैं खुदी को। हमारी आड़े कौन आता है धनी के प्रेम में? मैं खुदी। मैं खुदी तभी तो कहा गया है, जो धनी भी कहते हैं कि किसकी कुर्बानी आपको देनी होगी? मैं खुदी को। धनी और कोई कुर्बानी हमसे नहीं मांग रहे, एक मैं खुदी की कुर्बानी मांग रहे हैं। और जीव को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं क्या हम? जीव बताते हैं कि जीव जो है बाल के 10 एक नोक के 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं, उससे भी सूक्ष्म जीव होता है। क्या जीव के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं? जीव के टुकड़े नहीं हो सकते। और जीव के टुकड़े टुकड़े करने का मतलब क्या है? अपने अंदर की मैं खुदी को समाप्त कर देना। मैं कुछ हूं ही नहीं, जो भी राजी सेवा ले रहे हैं, जो भी राजी किसी से भी बुलवा रहे हैं, कौन बुलवा बोल सकता है? सिर्फ राजी। यदि हम इस मैं खुदी को जिस दिन समाप्त कर दिया, जिस दिन इस मैं खुदी को हमने निकाल दिया, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं, ना सेवा कर सकते हैं, ना इसका जैसे भले ही हम चर्चनी का कुछ बोलें, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इस मैं खुदी को समाप्त जिस दिन कर दिया, तो धनी हमारे अंदर आएंगे। मैं खुदी समाप्त हुए होते ही हमारा, हम जब विरहा में डूबेंगे, प्रेम में डूबेंगे, तो धाम धनी हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाएंगे, और हम उस प्रेम का रस पान कर पाएंगे, अपने धनी का दीदार कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जो जीव को टुकड़े करने का मतलब है, उसके अंदर अपना रोम रोम में रम रहा, पियूवाशी के अंग इसके ले ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही रंग। हमारे रोम रोम में धनी का प्रेम आ जाएगा, धनी हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाएंगे, हम उनका दीदार करेंगे, उनसे बात करेंगे, प्रेम करेंगे, प्रेम का विलास करेंगे और आनंद में डूब जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किरण दीदी ने बहुत अच्छे से हमें बताया। अब हमें चितवन के द्वारा कैसे, अभी सोनू ने कितने अच्छे से हमें दसवीं चांदनी मध्य चबूतरे का वर्णन कितने ही बड़े प्यार से हमें समझाया, तो हमें अपने आप को यहाँ महसूस करना है,
और दिल में अभी खाली चर्चनी के द्वारा हम समझ रहे हैं कि इतना चबूतरा है, कितनी सिंहासन, कितनी कुर्सियां जिस पे हम सब मिलके बैठे हैं। तो दिल में ये भाव आएगा कि मुझे राजी यहाँ बिठाएं, मैं क्यों नहीं देख पा रही। वो विरहा कि हमें लेना है कि राजी महाराज, मैं चांदनी पर आपके साथ बैठकर जो यहाँ लीला करूं, यहाँ राजी को सिंगार कराऊं और बगीचों में पिया के साथ वो विलास करूं, तो ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। तो वो विरहा कि अंगवार डार के दीजिए, यूं स्वरूप दो चित में लीजिए, कि हमें अपने आप को विरहा में कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा, पिया जी मेरे सामने आओ। तो अपने जीव को भान भून यानी कि मैं खुदी को हटाना है। किरण दीदी ने बहुत ही प्यार से हमें समझाया और बाकी सोनू हमें इतने प्यार से एक एक चीज की गहराइयों में हमें उसके विस्तार, जो मुझे आज इतना अच्छा लगा कि इतनी कुर्सियां, इतने सिंहासन, एक एक हांस में कितने कितने लगे हैं, तो वो इतनी विशालता दिल में बसती है। तो विशालता आएगी तो हम सब रूहें कैसे उस चबूतरे पर बैठी हैं मिलकर, एक एक हांस में कितना भरपूर वो चबूतरा जिसमें हम सब रूहें मिलकर कैसे पिया के साथ आनंद करती हैं, कैसे वहां पे चांदनी पर पिया के साथ रमन करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही कहा, करने कराने वाले श्री राजी महाराज, धन्यवाद भी उनका, आभार भी उनका, प्रेम भी उनका। हम तो पहले ही वहां बोलकर कि इश्क हमारा बड़ा, पहले ही बोलकर वो करके आ गए, वो भी राजी नहीं करवाया। और यहाँ आकर मैं उन सब सुंदर साथ को जरूर ये धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी कि आपके ही हृदय में बैठे राजी जो इतना बल और इतना प्यार और इतना प्रेम प्रदान कर रहे हैं, उससे सब सेवा करने वाले सुंदर साथ को कितना बल मिलता है। और जैसे मीनू दीदी ने अभी कहा, एक बार मैंने किरण दीदी के मुख से भी वो सुना था कि वो माचिस की डिब्बियों से निकलकर, मुझे इतना दिल को छू गई वो बात कि नक्शों पर हम देखते हैं ना तो छोटे छोटे से डब्बे हमें दिखाई देते हैं कि छोटा सा ये कमरा, हमें लगता है हम आंखें बंद करेंगे ज्यादा से ज्यादा उससे थोड़ा सा गुना और हम वो करेंगे कि हाँ हमारा रूम, हमारा मंदिर इतना बड़ा है। पर विशालता को जरूर जरूर दिल में लेने का हम सब भरसक प्रयास करेंगे। और मैं एक धन्यवाद के दो फूल उन सब सुंदर साथ को जरूर अर्पित करना चाहूंगी जो हमारे बीच में यहाँ इस मंच पर, इस मीटिंग में नहीं होते हैं, पर बाद में वो इसका रसपान करते हैं और अपना प्यार भेजते हैं, कभी लाइक्स, कभी कमेंट्स और कभी मैसेजेस के थ्रू। दो तीन सुंदर साथ के नाम लेना चाहूंगी जो ऑलमोस्ट रोज ये प्यार देते हैं रोज। तो उसमें सबसे पहला नाम है आरती ग्रोवर जी फाजिल का सुंदर साथ। एवरी डे जब वो यूट्यूब का वीडियो देखती हैं तो एक या दो कमेंट्स हर सुंदर साथ के बारे में जरूर उनका प्राप्त होता है यूट्यूब में। आरती ग्रोवर जी, संगीता जी, मनोज जी, संतोष जी, अनिला जी, कुणाल जी, जी एस चौहान जी, राजन परनामी जी, नरवत सिंह जी, जशी बेन, दिल कुमारी अधिकारी जी, वीना ढींगरा जी, इंदु आहूजा जी, शांति खनाल जी, कल्पना वडेर जी। अभी तो मैं लास्ट के केवल अभी से चार पांच वीडियो ही चेक कर पाई, पर और सुंदर साथ के भी चेक करके मैं उनके नाम भी जरूर आप सुंदर साथ के साथ शेयर करना चाहूंगी कि राज्जी की वाणी से संबंधित कोई भी, संगीत से संबंधित, श्री मुखवाणी की चर्चा से संबंधित हम शेयर कर सकते हैं सुंदर साथ जी, उन सुंदर साथ को प्यार भेज सकते हैं जो श्री बीतक साहिब की चर्चा हमें सुनाते हैं, वाणी चर्चा की सेवा करते हैं, इतना समय निकालते हैं अपनी दिनचर्या में से वो सुंदर साथ की सेवा में लगे हुए हैं। हमें तो केवल एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक प्यार भरा वाक्य उनको भेजना है जो कोई मुश्किल नहीं। तो आपने जिनसे भी पाया हुआ
आज तक, जिनसे भी श्री बीतक साहिब की चर्चा सुनी हो, जिनसे भी श्री मुखवाणी की चर्चा सुनी हो, उनको एक वाक्य प्रेम का जरूर भेजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आप सुंदर साथ के रूप में ही श्री राजजी महाराज अपने इश्क की, अपने बल की एक एक बूंद भेजते हैं, जिससे यहाँ चह बच्चा भर जाता है। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। तो आइए अब हम मिलकर जयकारा लगाएंगे। मीनू दीदी के दर्शन हमें आज हुए बहुत दिनों के बाद, उन्हीं के मुख से मीठा सा जयकारा सुनते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सबके चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ शेयर किए जाएंगे, क्विज के रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत जल्द शेयर किए जाएंगे। यदि अभी भी आपने नहीं किया हो जल्दी से कर लीजिए आज ही, देर नहीं करिए, क्योंकि सुंदर साथ हमारे सेवा में इतने लगे हुए हैं कि नए नए क्विजेज आते रहेंगे, छूटते जाएंगे, तो पिछला जल्दी से फिनिश कर लीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी।